नमस्कारम। वैदिल उपविष्टर आप माना प्रेसिडेंट ऑफ आईमा श्री गोकुलम गोपालन जी, चेयरमैन आईमा श्री बाबू पनिक्कर जी, श्री वी मुरलीधरन मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर वी शिव दासन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जस्टिस कुरियन जोसेफ रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, श्री वी एन वासवन मिनिस्टर केरला गवर्नमेंट, श्री अरविंद मेनन नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, श्री पी एन श्री कुमार जनरल सेक्रेटरी आईमा, श्री के जयकुमार आईएएस फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी केरला गवर्नमेंट, सदसैल इरचंदई एंडे सहुद्री सहोदरम मार्कुम इफ्नह इन्नरैया तहंग्यम बंदनम, एला वरकुम अंटे नमस्कारम। I spoke well? Thank you very much. Brothers and sisters, I will deliver my speech in Hindi. I think everyone will understand. If can't understand, then I will request you to try to understand. I will speak slowly. सबसे पहले मैं ऑल इंडिया मलयाली एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो गोपालन जी हैं और साथ ही साथ चेयरमैन बाबू पनिक्कर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया है। मैं आईमा को उसके फॉर्मेशन डे पर अपनी तरफ से बहुत सारी आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आईमा समाज के डिफरेंट सेक्टर्स में जिस प्रकार से प्रोएक्टिव होकर काम कर रहा है, उसके लिए मैं आईमा की सराहना करता हूं, इसको अप्रिशिएट करता हूं आईमा के इस एक्शन को। साथियों, सामाजिक उत्थान में एनजीओस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, इस पर बहुत कुछ कहने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। सरकारें जो कि समाज को रिप्रेजेंट करती हैं, वे अपने अपने स्तर से जनता के कल्याण के लिए प्रयास तो करती ही रहती हैं, लेकिन सरकार स्वयं की ताकत से जनता तक पूरी तरह से नहीं पहुंच सकती है। प्रत्येक सरकार, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो या फिर हमारी स्टेट की गवर्नमेंट्स हो, यदि उनको जनता तक अपनी पूरी रीच ले जानी है तो उसमें एनजीओस और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट और जनता के बीच एक ब्रिज का कार्य करती हैं और ये जनता और सरकार को एक दूसरे से जोड़ती हैं। एक संस्था के रूप में आईमा ने जिस प्रकार केरल में डिफरेंट सेक्टर्स में लोगों के बेटरमेंट के लिए काम किया है और जिस प्रकार आईमा देश भर में हमारे केरलाइड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए कार्य कर रहा है, वह प्रशंसा के योग्य है। मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। 2018 की जब फ्लड की क्राइसिस आई थी, मैं समझता हूं उससे सभी अच्छी तरह परिचित होंगे, जब सरकार यानी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और डिफरेंट एनजीओज ने अपनी लिमिट से ऊपर उठकर केरल के लोगों के लिए काम किया था, केरल के लोगों की मदद की थी। उस दौरान आईमा ने जो एक्टिव रोल प्ले किया था, मुझे लगता है कि वो आज भी हम सभी के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सब एक इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य कर रहे हैं, वह कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है, वास्तव में यह एक असाधारण कार्य है जो आप कर रहे हैं। साथियों, आज आप लोगों के बीच आकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं केरल में ही आ गया हूं। केरल सिर्फ कहने भर के लिए गॉड्स ओन कंट्री नहीं है, केरल केवल कहने भर के लिए गॉड्स ओन कंट्री नहीं है, यह सिर्फ थियरी नहीं है
बल्कि ग्राउंड रियलिटी में भी यही देखने को मिलता है। केरल पर मानो कोई ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो, माने बहुत बड़ी गॉड की ब्लेसिंग हो। मेरा तो केरल आना जाना लगा रहता है, मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है जैसे किसी न किसी बहाने गॉड यानी ईश्वर मुझे कोई न कोई काम पकड़ा ही देते हैं कि जाओ केरल के लोगों से मिलकर आओ, उनसे बात करके आओ। आखिर किसकी इच्छा नहीं होगी ऐसे राज्य में जाने की, ऐसे लोगों से मिलने की। इसीलिए जब मुझे यहाँ के लिए इनवाइट किया गया तो इजीली मैंने अपनी कंसेंट दे दी कि मैं अपने केरला ब्रदर सिस्टर्स के बीच में मैं जाऊँगा। केरला एक ऐसा स्टेट जिसके हेड यानी सिर पर वेस्टर्न घाट्स की छाया पड़ रही हो, जिसके पैरों यानी लेग्स में अरब सागर की वेव्स हिलोरे मार रही हों और जहाँ के इवरग्रीन फॉरेस्ट उनकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हों, जहाँ लोगों की रुचि जितनी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में होती है उतनी ही डांस और म्यूजिक में भी होती है। ऐसी ही जलवायु वाले सुंदर राज्य में भला कौन नहीं जाना चाहेगा। जितना करीब से मैं केरल को जान पाया हूँ मैंने यही समझा है कि यह राज्य जितना प्राकृतिक रूप से नेचर की दृष्टि से ब्यूटीफुल है, यहाँ के लोगों का मन भी उतना ही ब्यूटीफुल है, उतना ही खूबसूरत है। यदि ऐसे राज्य को गॉड्स ओन कंट्री नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। साथियों, भारत का आज जो स्वरूप है इसके निर्माण में केरल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब मैं भारत कह रहा हूं तो आप मेरा आशय यानी मतलब मीनिंग समझ पा रहे होंगे। भारत से मेरा आशय एक ऐसे नेशन से है जो आज एक आर्थिक यानी इकोनॉमिक दृष्टि से भी, सांस्कृतिक यानी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटिकली भी एक पावर के रूप में पूरी दुनिया के समक्ष पूरे वैभव के साथ खड़ा है। इकोनॉमिक फ्रंट पर आप देखते हैं तो जीडीपी के मामले में भारत आज दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में अपना स्थान बना चुका है। मॉर्गन स्टेनले की फाइनेंशियल फर्म ने यह कहा है कि इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2027 आते आते भारत की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 3 में आकर खड़ी हो जाएगी। और मैं आज कहना चाहता हूं कि मैं इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं कर सकता कि 2047 आते आते यानी इंडिपेंडेंस के 100 ईयर्स पूरा होने पर भारत दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी बनकर खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा आप सांस्कृतिक स्तर पर देखिए, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू कि भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर आज दुनिया भर में एक्सेप्टेबल है। कोविड के समय सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हाथ जोड़कर ग्रीट करने की बात हो या फिर योगा को वैश्विक पहचान यानी सारे दुनिया में उसकी आइडेंटिटी मिलने की बात हो, पूरी दुनिया में आज हमारी संस्कृति के प्रति लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। यदि मैं राजनीतिक स्तर पर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में भारत की धमक, भारत की धाक कितनी बड़ी है। पूरी दुनिया हमें सम्मान की दृष्टि से देखती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस भी देश में जाते हैं उस देश में उनका भव्य स्वागत किया जाता है। वास्तव में वह स्वागत सिर्फ प्रधानमंत्री का ही नहीं बल्कि भारत की राजनीतिक यानी भारत की पॉलिटिकल पावर का वह स्वागत होता है। भारत आज दुनिया की एक मेजर पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हमारी विशाल सांस्कृतिक विरासत यानी हमारी बहुत बड़ी जो कल्चरल हेरिटेज है और संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रदत्त हमारी एक पॉलिटिकल यूनिटी है यानी राजनीतिक एकता है। भारत के इस सांस्कृतिक विरासत तथा राजनीतिक एकता के इस रूप की कल्पना दो लोगों के बगैर तो की ही नहीं जा सकती और संयोग देखिए कि वे दोनों ही केरल के थे। केरल जगतगुरु आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि है।
आठवीं शताब्दी में 8th century में जब भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना धूमिल पड़ गई थी, तो इसी केरल की धरती से निकलकर जगतगुरु शंकराचार्य ने भारत को धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक कर दिया था आदि शंकराचार्य ने। आप सोचिए कि आज के समय में भी जब परिवहन के साधन इतने विकसित हो चुके हैं, सड़कें, ट्रेन्स और फ्लाइट के माध्यम से पूरा देश आपस में जुड़ा हुआ है, फिर भी आप देखिए कि हम अपने जीवन में कितनी यात्राएं कर पाते हैं। काम धंधे के लिए तो हम फिर भी कुछ यात्राएं कर लेते हैं, पर अपने देश के समाज और संस्कृति को जानने, समझने और उसकी बेहतरी के लिए हम कितनी यात्राएं कर लेते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बिना किसी स्पेशल पर्पज के मनुष्य लीक से हटकर कुछ भी करना पसंद नहीं करता है। तो आप कल्पना करिए कि 8th century में जब उतने साधन नहीं थे, तब शंकराचार्य जी केरल के कालड़ी गांव से निकलते हैं और पूरे भारत को पैरों से नाप देते हैं। दक्षिण से निकलकर उत्तर, पश्चिम, पूरब प्रत्येक दिशा में उन्होंने आध्यात्मिक चेतना, स्पिरिचुअल कॉन्शसनेस की एक अलग जगह दी। आप सोचिए आखिर उनकी इस विशाल यात्रा के लिए उनको यह हिम्मत कहां से मिली, आदि शंकराचार्य जी के अंदर वह एनर्जी कहां से आई, उन्हें प्रेरणा कहां से मिली, उन्हें यह इंस्पिरेशन कहां से मिला। ऐसे में मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत को सांस्कृतिक चेतना की यदि शंकराचार्य से मिली, तो शंकराचार्य को यह चेतना केरल की भूमि से मिली, केरल की धरती से मिली। इसी भूमि ने, केरल की धरती ने ही, केरल की भूमि ने ही उन्हें वह प्रेरणा दी जिससे वह इतना महान कार्य शंकराचार्य जी कर पाए। उसके बाद समय का चक्र आगे बढ़ा, हमने देखा कि भारत में कई सारे अलग अलग वंशजों ने अलग अलग क्षेत्रों पर शासन किया। दिल्ली संतलत, मुगलिया सल्तनत, मराठा साम्राज्य का भी अलग अलग क्षेत्रों में प्रभुत्व रहा, लेकिन समय हरदम एक जैसा नहीं रहा। धीरे धीरे भारत में इन साम्राज्यों की स्थिति थोड़ी कमजोर पड़नी शुरू हुई और फिर अंग्रेजों के आने के बाद इन राजे रजवाड़ों की स्थिति तो और फ्रेजाइल हो गई। साथियों, जब हम आज़ादी के तुरंत बाद के भारत पर नज़र डालते हैं, तो हम पाते हैं कि कमोबेश वही स्थितियां तब भी थीं जो 8वीं शताब्दी में थीं। एक तरफ यहां 8th century में भारत सांस्कृतिक रूप से अलग थलग पड़ा हुआ था, तो वहीं आज़ादी के बाद भारत राजनीतिक रूप से टूटने के कगार पर था। जब ऐसा लग रहा था कि स्वतंत्रता के बाद ही भारत कई सारी रियासतों में टूट जाएगा, उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर श्री बीपी मेनन जी ने राष्ट्र के को यूनाइट करने का जो कार्य किया, उसके लिए भारत की वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की तमाम पीढ़ियां उनकी सदैव ऋणी रहेंगी। साथियों, सरदार भारत के लौह पुरुष कहे जाते हैं तो स्वयं में वह एक योग्य व्यक्ति थे, लेकिन कोई भी नायक कितना भी योग्य क्यों न हो, कितना भी क्वालिफाइड क्यों न हो, वह अपने सेनापति के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और बीपी मेनन ने पटेल जी के सेनापति के रूप में उस समय कार्य किया था। सरदार पटेल और बीपी मेनन जी की एक दूसरे के प्रति और भारत की एकता के प्रति निष्ठा ने भारत को राजनीतिक रूप से पुनः एक कर दिया। साथियों, 8वीं शताब्दी में, 8th century में शंकराचार्य ने अगर भारत के वैचारिक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था, ध्यान से सुनिएगा, 8th century में शंकराचार्य ने अगर भारत के वैचारिक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था, तो आजादी के बाद श्री वीपी मेनन जी ने उस भारत के हार्डवेयर को डेवलप किया। जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने यदि भारत की आत्मा निर्मित की थी, तो बीपी मेनन जी ने भारत के शरीर के विकास में अपना रोल प्ले किया था। ऐसे अनेक उदाहरणों से भारत का इतिहास ये भरा पड़ा हुआ है। भारत के
सर्वांगीण विकास यानी कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट में हमारी मलयाली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है उसे वर्ड्स में नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक भारत अनेक डाइवर्सिटीज विविधताओं से भरा पड़ा है। भारत अनेक कास्ट क्रीड और रिलीजन का यह संगम है। यदि हम भारत को एक समुंदर मान लें यानी एक सी मान लें जिसमें कई सारी रिवर्स आकर गिरती हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि भारत के इस सांस्कृतिक संगम में केरल से भी एक बहुत महत्वपूर्ण धारा आती है, केरल से भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम आती है। जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, सनातन संस्कृति की एक धारा केरल से आदि शंकराचार्य के रूप में निकली जिसने समूचे भारत की आध्यात्मिकता को पोषित किया। सिर्फ सनातन ही नहीं बल्कि दुनिया के बाकी धर्मों के भी पोषण में केरल का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है। आप में से शायद बहुत लोगों को यह पता होगा कि भारत में सबसे पहले क्रिश्चियन रिलीजन की शुरुआत केरल से ही हुई थी। बताते हैं कि जीसस क्राइस्ट के जो 12 प्रमुख शिष्य थे, जो उनके पीपल्स थे 12, उनमें के एक शिष्य सेंट थॉमस भारत आए थे। माना जाता है कि सेंट थॉमस ने केरल में उस समय 7 चर्च बनवाए थे जिसने भारत में ईसाई धर्म की फाउंडेशन स्टोन रखी थी। यानी जो यूरोप आज क्रिश्चियनिटी का गढ़ है वहां भी पहुंचने से पहले क्रिश्चियनिटी केरल में पहुंच गई थी, उसके पहले भी पहुंच गई थी। सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही नहीं बल्कि भारत में इस्लाम के भी प्रसार में केरल का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। शायद आप सब जानते हों कि भारत में सबसे पहले मास्क्यू यानी मस्जिद यदि कहीं बनी थी तो चेरामन जुमा नाम की वह मस्जिद केरल के त्रिशूर में ही बनी थी। ऐसे में केरल को गॉड्स ओल्ड कंट्री की टाइटल उचित ही दी गई है, सही दी गई है, ऐसा मैं मानता हूं। साथियों, केरल भारत के सांस्कृतिक नक्शे पर अपनी एक अलग आइडेंटिटी रखता है। अभी उत्तर भारत मानसून की बारिश से भीग रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानसून की जो पहली बरसात होती है सबसे पहले केरल में होती है, यानी पानी जो बरसता है वह सबसे पहले केरल में बरसता है। और जिस प्रकार मानसून की पहली बूंद सबसे पहले केरल पर ही पड़ती है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति को भी अगर बारिश मान लें तो इसकी संस्कृति की भी पहली फुहार हमेशा से केरल पे ही आकर पड़ती है। जिस प्रकार मानसून केरल से निकलकर पूरे भारत में जाता है, उसी प्रकार भारत में विभिन्न धर्मों की सांस्कृतिक यात्रा केरल से ही शुरू होकर भारत के विभिन्न हिस्सों में जाती है। साथियों, आधुनिक भारत का इतिहास खासकर स्वतंत्रता संग्राम में केरल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। केरल के गांधी के कलप्पन, जिनसे आप अच्छी तरह परिचित हैं, को कौन नहीं जानता। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था, से लेकर क्विट इंडिया मूवमेंट तक भारत के पूरे स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत ही मेजर रोल रहा है। उन्होंने एक महान फ्रीडम फाइटर के रूप में देश की फ्रीडम के लिए तो अपना जीवन लगाया ही, इसके साथ ही एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में भी उन्होंने न सिर्फ केरल बल्कि पूरे समूचे भारत के वंचितों को यानी डाउन ट्रॉडन सेक्शन के जो लोग थे उनके हक के लिए, उनके राइट्स के लिए वह लड़ाई भी लड़े। इनके अतिरिक्त भी केरल के अनेक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं यानी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं केरल के, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में केरल की धरती से अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। साथियों, केरल की एक और स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर के विषय में मैं आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस कंटेक्स्ट में एक बात याद आती है, उसकी भी मैं आपसे चर्चा करूँगा। यह कंटेक्स्ट यह है कि 1938 का भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने पीक पर था और उस समय केरल में किसी मुद्दे को लेकर
राज्य भर में कोई पूरे स्टेट वाइड केरल में कोई डिमॉन्स्ट्रेशन उस समय हो रहे थे। इसी बीच एक बार डिमॉन्स्ट्रेटर्स यानी प्रदर्शनकारियों का एक दल त्रावणकोर के शाही महल की तरफ बढ़ा। चूंकि वह शाही महल था तो जाहिर सी बात है कि उसकी सिक्योरिटी में भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे। जब वो डिमॉन्स्ट्रेटर्स शाही महल के बिल्कुल पास में आ गए, नज़दीक आ गए, तो अचानक वहाँ पर ड्यूटी पर जो एक पुलिस ऑफिसर था ने भीड़ पर फायरिंग करने का आदेश दे दिया। अचानक सबने अपनी गन उठा ली, चारों तरफ से लोग भागने लगे, यानी अफरा तफरी मच गई। तभी उस भीड़ में से एक महिला निकलकर सामने आई और पुलिस वालों से यह कहा कि इनकी लीडर मैं हूँ, सबसे पहले मुझे गोली मारो। उस महिला की निडरता और उनका जुनून देकर पुलिस अधिकारी को अपना आदेश वापस लेना पड़ा था। वह महिला कोई और नहीं थी बल्कि त्रावणकोर की अक्कम्मा चेरियन थी। वे ही अक्कम्मा चेरियन थी जिन्होंने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लेने के लिए अपनी जो टीचर की नौकरी थी, सर्विस थी, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया, और जिन्हें महात्मा गांधी ने केरल की झांसी की रानी की टाइटल दी थी। महात्मा गांधी ने उन्हें केरल की पुण्यभूमि ऐसे वीरों और वीरांगनाओं से भरी पड़ी है। बहनों भाइयों, सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम ही नहीं, केवल फ्रीडम स्ट्रगल ही नहीं है, बल्कि केरल में जब भी सोशल रिफॉर्म्स की बात आती है तो सदानंद स्वामी जी से लेकर पद्मनाभन पालपू तक ऐसे न जाने कितने नाम हमारे सामने आते हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था, जो कास्ट सिस्टम था, उसके इरेडिकेशन के लिए, उसके उन्मूलन के लिए, समाज में समानता लाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए, तथा महिलाओं को उनको अधिकार दिलाने के लिए अपना सारी जिंदगी ही लगा दी, अपना पूरा जीवन ही न्यौछावर कर दिया। साथियों, केरल की धरती पर सामाजिक समानता के लिए कार्य करने वाले, यानी सोशल हार्मनी के लिए काम करने के लिए ऐसे ही एक और महापुरुष का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, और वो महापुरुष हैं श्री नारायण गुरु जी। उन्होंने शिवगिरी मठ की स्थापना करके समाज के निचले सेक्शन के लोगों को एजुकेशन, फिलॉसफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़कर उनकी प्रोग्रेस के लिए काम किया। यह बस कल्पना ही की जा सकती है उस समय जब देश के सामने कई सारे लोग, कई सारे अलग अलग मुद्दे थे, तब भी श्री नारायण गुरु जी ने अपनी दूरदर्शिता से इस बात पर जोर दिया कि एजुकेशन ही समाज के डाउन ट्रॉडन सेक्शन के उत्थान का एकमात्र माध्यम है और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। मुझे याद है अभी पिछले वर्ष ही यानी 2022 के अंत में जब मैं केरल गया था तो मुझे शिवगिरी मठ द्वारा आयोजित तीर्थदान में शामिल होने का सौभाग्य मिला था, और यह अवसर प्राप्त हुआ था तो हमारे मुरलीधर जी जो यहाँ पर बैठे हैं ये भी हमारे साथ थे और इन्हीं के माध्यम से उन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था। उस तीर्थदान के दौरान मैंने देखा कि कैसे शिवगिरी मठ आज भी गुरु जी के ओरु जाति, ओरु माथम, ओरु दैवम, अर्थात एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर के उपदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। श्री नारायण गुरु जी के ये संदेश भारत की वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करते हैं कि हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, इसलिए हमारे बीच भेदभाव जैसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। श्री नारायण गुरु जी के आशीर्वाद से हमारी सरकार भी उनके उपदेशों को एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पर चल रही है। हम अपनी पॉलिसी से और अपने कार्यों से समाज में वही समरसता यानी सोशल हार्मनी लाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी सपने को यानी ड्रीम्स को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं जो ड्रीम एक समय में केरल के हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने देखा था। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस दिशा में सरकार को ग्रास रूट लेवल पर आईमा जैसे इंस्टीट्यूशंस का भी कोऑपरेशन मिल रहा है।
केरल हमेशा से ही भारत के प्रत्येक हिस्से के किसी न किसी कारण से जुड़ा ही रहा है। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि केरल की प्रेजेंस भारत के प्रत्येक घर में है। मैं मानता हूँ केरल की प्रेजेंस तो भारत के हर एक घर में है। अब आप यह आश्चर्य कर सकते हैं कि केरल भारत के प्रत्येक घर में कैसे है। मैं अभी आपको इसका अर्थ समझाता हूँ। साथियों, आप लोग राजा रवि वर्मा के बारे में जरूर जानते होंगे। राजा रवि वर्मा भारत के हिस्ट्री के सबसे महान पेंटर्स में से एक हैं। ऐसा माना जाता है कि आज जो देवी देवता गॉड्स गॉडसेस हमारे समक्ष जिनका पिक्चर आप देखते हैं चित्र के रूप में आते हैं, जो माता सरस्वती हमारे सामने वीणा बजाती हुई दिखाई देती हैं, ये तस्वीरें मूलतः राजा रवि वर्मा द्वारा ही बनाई गई थी, जो कि केरल के रहने वाले थे। उन्होंने ही सबसे पहले हिंदू देवियों की पेंटिंग को केरल की प्रसिद्ध और सुंदर कांजीवरम साड़ी और गहने के साथ कैनवास पर उतारा था। यह काम रवि जी ने ही किया था। आज राजा रवि वर्मा की बनाई गई उन पेंटिंग्स या उनसे प्रभावित जो कृतियों की उपस्थिति भारत के प्रत्येक घर में हिंदू घर में है, और उन पेंटिंग्स के माध्यम से न सिर्फ राजा रवि वर्मा बल्कि पूरा केरल भारत के हर घर में बसता है। साथियों, केरल सदियों से सेंचुरी से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा रहा है। बाहर की दुनिया से जुड़े होने के कारण ही केरल के समाज में उपस्थित सहिष्णुता यानी टॉलरेंस और कॉस्मोपॉलिटन पर्सपेक्टिव को मलयालियों की एक बड़ी विशेषता मानी गई है। केरल सिर्फ अपनी टॉलरेंस के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि केरल का इतिहास अपनी अनुपम युद्ध शैली यानी वार स्किल के लिए भी जाना जाता है। हालांकि युद्ध कौशल ही नहीं, वार स्किल ही नहीं, बल्कि केरल के निवासी अपनी नृत्य कला यानी डांस के लिए भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। कथकली और मोहनी अट्टम जैसे नृत्यों में जिस प्रकार शरीर के अंगों और कलाओं के माध्यम से भारत की प्राचीन कथाओं को दर्शाया जाता है, उस विधा ने पूरी दुनिया में केरल की भव्यता को बढ़ाया है। साथियों, आज सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि नृत्य और अन्य कलाओं में भी केरल भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है, और केरल की विविधता ने हमारी राष्ट्रीय विविधता को नई पहचान दी है। साथियों, जब मैं यहाँ विविधता यानी डाइवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, तब मैं भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और यूनिटी के बारे में भी यहाँ बात करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कई बार नेशनल आइडेंटिटी को लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी से जोड़ कर देखा जाता है, अर्थात लैंग्वेज के आधार पर यह तय होता है कि किसी राष्ट्र का स्वरूप क्या होगा। आप अगर वेस्टर्न कंट्रीज पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि वहाँ नेशनल आइडेंटिटी और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी अक्सर को इंसिडेंट है, अर्थात हर देश की एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है और प्रायः एक ही लैंग्वेज के आधार पर वे उस नेशन से जुड़े हुए हैं। जैसे आप स्पेन में स्पेनिश लैंग्वेज देख सकते हैं, जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज देख सकते हैं, पुर्तगाल में पुर्तगीज लैंग्वेज देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि वेस्ट में लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को ही एक नेशनल आइडेंटिटी के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है। यह हो सकता है किसी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या कहीं पर ज्यादा हो, किसी भाषा को बोलने वालों की संख्या कहीं कम हो, लेकिन यहाँ भाषा के आधार पर नेशनल आइडेंटिटी का निर्धारण नहीं होता है। भारत में न जाने कितनी लैंग्वेजेज हैं, उन सब का एक अपना विशेष महत्व है, एक अपना उनका इम्पॉर्टेंस है। उसमें भी मलयालम की बात तो सबसे अलग है। इसका अपना एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है मलयालम लैंग्वेज की, और एक भाषा के रूप में मलयालम को भारत की विभिन्न भाषाओं के संगम के रूप में जाना जा सकता है। मलयालम को एक शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना भी उसके महत्व को दर्शाता है। साथियों, प्राचीन काल के रामचरितम से लेकर मणिप्रवाल लिटरेचर और महाकवि रामानुजन यसुतच्छन ने मलयालम भाषा और साहित्य की जो धारा बहाई, वह समय के साथ लगातार विस्तृत
होती चली गई, बढ़ती चली गई। आधुनिक युग में मलयालम लिटरेचर को 6 ज्ञानपीठ पुरस्कारों का मिलना इस विस्तार का, इस एक्सपेंशन का यह प्रमाण है। साथियों, अपनी भाषा से किसी भी मनुष्य का एक स्वाभाविक रूप से लगाव होता है। मलयालम जैसी एक इतनी प्राचीन भाषा, एंशियंट लैंग्वेज, जिसका सैकड़ों वर्षों का एक साहित्यिक इतिहास रहा हो, उसकी मौलिकता आज भी जिस प्रकार से बनी हुई है, मुझे लगता है कि उसके लिए केरल के हमारे साथियों को एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, और मैं आप सब लोगों को एप्रिशिएट करता हूँ। साथियों, कहने का अर्थ, भारत की भाषाई विविधता यानी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में मलयालम भाषा की समृद्ध और मूल्यवान विरासत यानी रिच जो और वैल्यूएबल जो हेरिटेज है, वह अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम हर भाषा को नेशनल आइडेंटिटी से जोड़ कर देखते हैं। दुनिया के सभी देश लैंग्वेज को नेशनल आइडेंटिटी से जोड़कर नहीं दे सकते हैं, सभी भाषाओं को, लेकिन भारत ही दुनिया का ऐसा देश है जहां हम हर लैंग्वेज को नेशनल आइडेंटिटी से जोड़ कर देखते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो। आप इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि भारत में मौजूद जो अलग अलग लैंग्वेजेज हैं, वे अलग अलग रंग के धागे हैं, और सारे धागे जब आपस में, सारे धागे जब आपस में जुड़ जाते हैं, तो एक इंडियन आइडेंटिटी के एक कारपेट का निर्माण होता है और एक खूबसूरत कालीन बनता है। और उस कारपेट में ऐसा नहीं है कि जो इंडिविजुअल थ्रेड्स हैं वे अपना एग्जिस्टेंस खो देते हैं, बल्कि ग्राउंड रियलिटी तो यह है कि वे रंगीन धागे, कलर्ड थ्रेड ही मिलकर उस कालीन यानी उस कारपेट का निर्माण करते हैं, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस बना रहता है, उनकी आइडेंटिटी बनी रहती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत एक ऐसा खूबसूरत कारपेट है जहाँ अलग अलग थ्रेड खुद का एग्जिस्टेंस बनाए रखते हुए उसका निर्माण करते हैं। आप आईमा को ही देखिए, इस नाम में इंडिया भी है और मलयाली भी है। आईमा, ऑल इंडिया मलयाली एसोसिएशन, इस नाम में इंडिया भी है और मलयाली भी है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ इंडिया और मलयाली अलग हो रहे हों, बल्कि यहाँ पर हम देखते हैं कि एक साथ मिलकर एक नई आइडेंटिटी का निर्माण कर रहे हैं। साथियों, मुझे लगता है कि ऐसी अनोखी विशेषता सिर्फ हमारे देश में देखने को मिलती है, और कहीं इस प्रकार की विशेषता देखने को नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश हमारा अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है, और भारत की आज़ादी के 75 ईयर्स से अधिक हो चुके हैं, और जब हम अमृतकाल की समाप्ति पर होंगे यानी द एंड पर होंगे, अर्थात जब हम 2047 में भारत की इंडिपेंडेंस का 100 वर्ष मना रहे होंगे, उस समय तक हमने स्वयं के लिए कई टारगेट्स भी निर्धारित किया है। 2047 तक के लिए सबसे बड़ा टारगेट जो हम लोगों का है, तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने वह देश को दिया है, और वह लक्ष्य है 2047 तक एक डेवलप्ड इंडिया का निर्माण करना, यह हम लोगों का लक्ष्य है। जाहिर सी बात है कि हम यहाँ एक डेवलप्ड इंडिया के निर्माण की बात कर रहे हैं, किसी एक राज्य या किसी पर्टिकुलर की क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए पूरे भारत की इस विकास यात्रा में हमें सारे राज्यों का व सारे इंस्टीट्यूशंस का कोऑपरेशन चाहिए होगा, और निश्चित रूप से एक राज्य के रूप में केरल और वहाँ के निवासियों के रूप में हमारे मलयाली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भारत के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन अब तक जैसा करते आए हैं वैसा ही आगे करते रहेंगे, इस मामले में मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन हमें इससे एक कदम आगे बढ़कर आईमा जैसे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज के भी इस प्रयास से जोड़ना होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आईमा और गवर्नमेंट आपस में ऐसे ही एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए प्रत्येक नौजवान को, प्रत्येक किसान को, प्रत्येक गरीब को और प्रत्येक वंचित को सरकार की हर योजना से जोड़ेंगे, और न सिर्फ केरल बल्कि एक समृद्ध भारत यानी रिच इंडिया, प्रॉस्परस इंडिया के डेवलपमेंट की ओर हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने आपसी प्रयासों से यह भी सुनिश्चित करें कि हम 2047 तक
एक डेवलप्ड इंडिया के निर्माण की ओर तेजी से अपने कदम उठाएं, बढ़ाएं और इस दिशा में आईमा जैसे संगठन का सहयोग हमें हमेशा प्राप्त होता रहेगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। बहनों और भाइयों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्या बोलते हैं, सहोदरी एंड चौधरे, इस अवसर पर मैं और अधिक कुछ न कहते हुए एक बार मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और मुझे आप लोगों से एक बार फिर मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं, आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आईमा ऐसे ही अपना बराबर आगे भी इस भारत को एक डेवलप्ड भारत बनाने में, एक विकसित भारत बनाने में अपना रोल प्ले करता रहे, यह शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।